आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रीब्यूशन बाय शशि देश पांडे। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें ओरिजिनल जो है वो राइटिंग मैंने मेंशन की है, हिंदी में भी मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो भी मेंशन किया है मैंने। तो एक बार प्लीज़ इसे देख लीजिएगा और बताता हूँ हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट ऑथर, ऑथर के बारे में, एंड डीप एनालिसिस पढ़ेंगे, मटेरियल फॉर आंसर राइटिंग आपको इसमें मिल जाएगा। साइमन द बेवरेज के जो फेमस है अपने सेकंड सेक्स राइटिंग से 1997, उनका कंपैरिजन क्या है इसमें ये पढ़ेंगे। मेलन शॉल्टर एंड शशि देश पांडे अगेन द सेकंड फेमिनिस्ट ऑफ अमेरिकन फेमिनिस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैरिज बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इवन इन अ गर्ल्स लाइफ, ये पढ़ने वाले हैं हम। एंड केट मिलेट्स और द साइमन द बीवरी अगेन दो बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट स्टॉन्च राइटर, इनके कंपैरिजन हम पढ़ेंगे शशि देश पांडे से, जो कि पेपर में पूछा जाता है। समरी इन हिंदी फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट के थ्रू हम जाने वाले हैं। कंक्लूजन पढ़ेंगे, इंट्रूजन फ्रॉम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, एंड वुमेन एज सब्जुगेटेड। बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे हमें कवर करना है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट करे ये करवाना वाला हूँ। दिस वन इज़ अबाउट ऑथर, एक बारी ऑथर के बारे में समझ लेते हैं, एक बारी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रिव्यू, ताकि हमारे पास एक बैकग्राउंड रहे और हम चीज़ों को अच्छी तरह से एक सही लेंस के थ्रू देख सकें। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी 1978 में, इन्होंने फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन पब्लिश किया जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसे हम पढ़ने वाले हैं ये वाला भी इंट्रूजन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग है, एक बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है, जब हम पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। एंड हर फर्स्ट नावल द डार्क होल्ड्स नो टेरर 1980, ये इनकी फर्स्ट नावल थी। शी वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नावल द लॉन्ग साइलेंस इन 1990, ये भी बहुत सुंदर राइटिंग है जिनकी वजह से इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और यहीं तक नहीं रुकते, इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिलता है 2009 में। इनकी जो नावल है शेडो प्ले, जिसे शॉर्ट लिस्टेड किया गया था द हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2014। शशि देश पांडे हैज रिटन 4 चिल्ड्रंस बुक लिखी, उनमें भी बहुत अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ रखी है, अगर आपको मन हो तो मैं आपको वो भी पढ़ा सकता हूँ। एंड 9 नॉवेल्स लिखी इन्होंने बिसाइड सेवरल पर्सपेक्टिव एसेज एंड मोर कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्शन है इनके। नाउ समरी इन हिंदी फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट द इंट्रूजन, तो हम पढ़ेंगे समरी। और सॉरी द टेक्स्ट इज़ नॉट क्लियर, मैंने ये डाल रखा है यहाँ पे टैग कि टेक्स्ट क्लियर नहीं है, पर 6 से 7 पेजेस ऐसे हैं जिसमें कि टेक्स्ट क्लियर नहीं है, पर वैसे बिल्कुल एक एग्जैक्ट राइटिंग है और बिल्कुल सब 1-to-1 बिल्कुल अच्छी तरह से डिफाइन किया है मैंने। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रीब्यूशन, ये जैसा भी फॉर्मेट है इसमें मेरे को पता है बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, पर यही मेरे पास मटेरियल था तो मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट को इस फॉर्म में यहाँ लिख रखा है। इंट्रीब्यूशन का सिंपल मतलब होता है इंट्रूड करना, इंट्रूड का मतलब अगर हम बेवजह किसी की परमिशन के अगेंस्ट अगर हम किसी एरिया में या किसी की पर्सनल लाइफ में, या फिर अगर हम बात करें असॉल्ट करें, असॉल्ट का मतलब ईजिली अटैक करें किसी के ऊपर, चाहे फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो, उसे हम इंट्रूजन कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसी अटैक दिखा रखा है इस पूरी कहानी में, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी टाइप राइटिंग है और इस पूरी कहानी में 2 कैरेक्टर हैं हमारे पास जो मेन दिखाए गए हैं, और फीमेल के कॉन्शियस लेवल के थ्रू हमें सब कुछ बताया गया है। एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और वाइफ अभी इनकी नई शादी हुई है, तो एक मैरिड लाइफ जो मेन प्लॉट है वो रखा है शशि देश पांडे ने। कुछ ऐसा लगता है कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है, पर फेमिनिज्म पॉइंट से फीमेल वॉइस यहाँ पे बिल्कुल हाई दिखाई गई है, और एक तरह से ये अगेंस्ट पैट्रियार्की सिस्टम भी है ये, तो हम कह सकते हैं दिस अबाउट द फेमिनिन राइटिंग। तो फेमिनिन राइटिंग है, इंट्रूड का मतलब है हस्बैंड किस तरह से शादी के बाद उसको वो सारी परमिशन मिल जाती है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर फिजिकली असॉल्ट कर सकता है, उसके साथ मनचाहे रूप से कभी भी सेक्स और मेट कर सकता है बिना उसके परमिशन के, तो उसके पर ये राइटिंग है। और इसमें पूरा सीन दिखा रखा है कि फर्स्ट डे वो हनीमून पे जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, ये पूरा हमारा जो फर्स्ट पेज है जहाँ मैंने डाल रखा है पेज नंबर 1, वी लुक्ड ब्लेटेंटली, यहाँ से शुरू होता है, मैं आपको हिंदी हिंदी बता दूंगा जल्दी जल्दी ताकि ख़त्म हो। हम दोनों एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हो, या हम एक दूसरे से अब उतने ज़्यादा शर्माते नहीं है, इस तरह से स्टार्टिंग की गई है। छोटे छोटे घर थे और वहाँ पे कुछ जुगड़ झोपड़ियाँ हैं, तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी हस्बैंड और वाइफ दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, और वाइफ हमें बता रही है कि क्या है सीन क्या नहीं है। अ लिटल पाथ सो नैरो दैट वाज स्ट्रेच आर्म्स एंड कुड, अब वो बता रही है वाइफ के एक छोटे से गली में जा रहे थे हम, और उस गली में ये हनीमून के लिए जा रहे हैं बेसिकली, और उस गली में अगर हाथ खोलो तो दोनों तरफ उसके दीवारों को तुम छू सकते हो, इतनी पतली गली थी।
मैं बार बार यही सोच रही थी कि मैं यहाँ क्यों आई। आई वॉक स्टिफली, मैं लड़खड़ा के चल रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो लोग हैं मुझे अनचाहे और बेढंगे रूप से घूर रहे थे। और मेरा भी ऐसा मन करा कि एक बार उन्हें भी घूरूं, पर मैं ऐसे घूर नहीं सकती थी क्योंकि अभी मैं लड़की हूँ, एक तो पहली बात यह है, और दूसरी बात यह है कि मैं जो मेरी अभी नई शादी हुई है, तो उसके बावजूद भी मैंने उनके कोने को, अपने आँखों को नीचे, मुँह को नीचे करके अपने आँखों के कोने से देखा उन्हें, जैसे झांकते हैं। वहाँ जहाँ से हम जा रहे थे गली काफ़ी पतली थी, जो लोग थे वो लुंगी बांध के खड़े थे और आसपास मछलियाँ सूख रही थी और सूखी हुई मछलियाँ लटक रही थी। मुझे एक पल ऐसा लगा कि मैं ऐसे गांव में आ गई हूँ जो कि एक मछुआरों का गांव है, जहाँ पे खाली मछलियाँ हैं। मैं बस ये सोची थी समुद्र कहाँ है। एंड देन वी रीच एट द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न राइट। फिर हम धीरे धीरे आगे गए, हमने राइट का एक राइट मोड़ लिया, फिर मुझे सामने एक बहुत ही विशाल समुद्र दिखा, बहुत ही सुंदर। वहाँ एक पल उस समुद्र के नज़ारे को देखने के लिए मैं एक पल रुकी और वो भी मेरे साथ रुका। ये वो कौन है यहाँ पे, इसका हस्बैंड, वो भी मेरे साथ रुका और उसने मेरी तरफ एक झलक देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने कुछ गलत किया हो, पर एकदम से उसने मेरी तरफ़ देखा और एक स्माइल पास की। उसके बाद हम रेत भरे जो समुद्र के साइड में रेत है उसमें हम चलते हैं और समुद्र के में जो ज्वार भाटा है वो ऊपर ऊपर तक उठ रहा था। एंड आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट वॉकिंग इन माई हाई हील्स, और मुझे हाई हील्स में चलना पड़ रहा था वहाँ पे, और भारी साड़ी बांध रखी थी मैंने, मेरे एंकल के आसपास मुझे, यानी एड़ी के आसपास मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। पर फिर भी आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अनरीजनेबल, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा था और मैं इन सब को सहे जा रही थी, यानी पता नहीं चल रहा था क्या मतलब ये है कि वो मैं जानबूझ के अब इन सब चीज़ों को इग्नोर मैंने करना सीख लिया था क्योंकि अब मुझे ऐसे ही चलना था। तो सिंपल फर्स्ट पेज में यही है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जा रहे हैं, छोटी सी गली होती है, वाइफ जो है वो अपने हाथों को खोलती है, अभी नई शादी हुई है इनकी और वो गली इतनी पतली होती है कि उन्हें, उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि, यानी वाइफ को ऐसा लगता है कि दोनों तरफ जो है वो दीवारों में मेरे हाथ लग जाएंगे साइड के उसमें दीवारों में। और जिस गली में वो जा रहे होते हैं इसे ये बोल के लेके आया होता है हस्बैंड कि हम अपनी फर्स्ट जो है हनीमून स्पेंड करने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसके दिमाग में हमेशा एक ही बात आ रही थी कि समुद्र कहाँ है। फिर एंड में जब ये जाते हैं तो इसे ऐसा लगता है कि आसपास लुंगी बांधे हुए कुछ लोग हैं और मछलियाँ लटकी होती है, तो वाइफ को ऐसा लगता है कि मैं कहीं और आ गई हूँ। फिर ये देखती है आगे जैसे जाते हैं तो रास्ता थोड़ा चौड़ा होता है और इसे लगता है हाँ सच में यहाँ समुद्र तो है, चलो कुछ तो अच्छा है। और इसे वहाँ चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि आसपास रेतीला मैदान होता है और ये अच्छी तरह से अपना बैलेंस नहीं संभाल पाती। तो एक तरह से हमें कल्चर का इन्फ्लुएंस दिखाया गया है और फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से राइटिंग है तो हमें देखना है, और बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ रखा था बिल्कुल ज़ोर से, मुझे पहले तो ऐसा लगा कि इस अपने हाथ को छुड़ा लेने की मैंने बहुत कोशिश की, फिर पर वो ग्रिप इतना स्ट्रांग था कि मैं वो छुड़ा नहीं पाई। द सी हैड लेफ्ट, और वो जो समुद्र था आसपास बहुत सारे शेल्स वगैरह जो समुद्र के आसपास जो होते हैं, सीप और ये सब कुछ, शंख वगैरह वो सब आसपास थे। कुछ जो थे जो सीप थे वो चल रहे थे और कुछ ऐसे ही थे मरे हुए, और मैं भी उनके पास चल रही थी, कुछ मेरे पैर के नीचे आ रहे थे और कुछ के पीछे मैं भाग रही थी। फिर हम उससे आगे गए और फाइनली थैंक गॉड के हम उस सैंड भरे, उससे सैंड यानी पूरी रेत के उस वाले रेतीला मैदान से निकल के बाहर आ गए। और फिर एक और गांव आया सामने और वो गांव अब पहले वाले गांव से बहुत ही अलग था। ये गांव काफ़ी, इसके जो सड़कें थी काफ़ी चौड़ी थी पहले वाले से, और हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कैसे किसी पहाड़ के ऊपर जाने वाले हो। अब वहाँ पे ना तो सूखी हुई मछलियाँ थी अब ना यहाँ पे, और ना ही हम कह सकते हैं फिशिंग नेट थी, बिल्कुल सब कुछ क्लियर था। और आसपास ड्रम स्टिक के पेड़ थे, उनमें से ड्रम स्टिक लटक रहा था, बहुत ही अच्छा सीन था। और रास्ता जो है वो चौड़ा होके ऊपर पहाड़ियों की तरफ जा रहा था। जो मैन मेरे साथ था यहाँ पे, जो मैन है सिंपल मैन, ये मैन वो नहीं, ये मैन हस्बैंड है, ठीक है। तो ये जहाँ मैन है इट मीन्स ही हस्बैंड। तो वो जो मैन मेरे साथ था उसने सूटकेस ले रखा था और हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़ियों के। एक पल मैं लड़खड़ाई, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ, और वो बार बार ही मुझे प्रोत्साहन दे रहा था कि आओ आओ जल्दी आओ,
हो सकता है तुम चढ़ सकती हो, और धीरे धीरे हम बहुत आगे निकल गए, और देखते ही देखते हम बिल्कुल पहाड़ियों के ऊपर चढ़ चुके थे। हमने वहाँ देखा एक स्क्वेयर, जैसे हम आगे गए तो मैंने वहाँ देखा कि एक स्क्वेयर बिल्डिंग जो है, जो धसी हुई बिल्डिंग थी, और कुछ उसका शेप बहुत ही अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अकेले सुनसान जगह में वो बिल्डिंग है और वो धसी हुई है। एकदम से कोई अजनबी वहाँ आता है जो मैं जिसे नहीं जानती, और वो आता है और वो हमें और हमारे लिए वो उस रूम को खोलता है, और वो और मैं बहुत थक चुकी थी। मैं वहाँ जाके चेयर पे बैठी, और वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत मुझे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी। और फिर मैंने कहा इज़न दिस नाइस। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, यानी मैन, उस मैन ने कहा इज़न दिस नाइस, क्या ये अच्छी जगह नहीं है, देखो यहाँ पे कितना सब कुछ अच्छा है। पर मैं क्या कहती, मैं तो बिल्कुल, मैंने बहुत ही चुपके चाप बस ये कहा यस आई सेड। मैंने कहा हाँ हाँ अच्छी जगह है, पर मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो ऐसी लग रही थी जगह जैसे कई सालों से बंद हो, और वहाँ के बिस्तर बिस्तर सब कुछ में से अजीब सी स्मेल आ रही थी, और मैं उस रूम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पेज नंबर 3, ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ लोग अक्सर आए करते थे और अपनी स्मेल छोड़ के चले जाए करते थे। इवन आई स्निफ, फिर भी मेरे को वहाँ बहुत अजीब सी बदबू आई, जैसे कि बेड बग्स हो, बेड बग्स यानी खटमल, या फिर अंदर दीमक फीमक की बदबू आ रही थी। और द मैन फ्लंग अपॉन द विंडो, फिर उस जो मैन मेरे साथ आ गया, इट मीन्स हस्बैंड, जो हस्बैंड उसके साथ था, उसने खिड़कियाँ खोली, तब जाके कुछ वहाँ पे राहत मिली मुझे। एंड डू यू वॉन्ट एनी थिंग ही आस, उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हें कुछ चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे कुछ चाय चाय मिल जाएगी, क्या ये सही है। और उसके बाद जो मैन था उसने कहा हाँ मिल जाएगी चाय। फिर उसने मेरी तरफ़ देखा और एक स्माइल पास की, जैसे उस स्माइल, वो स्माइल नहीं थी, मतलब वो कुछ और कहना चाहता था कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा इसके पीछे एम क्या है। बेसिकली दिस अबाउट द फिजिकल असॉल्ट, वो एक तरह से सेक्स यानी फाइनली मीटिंग इसके लिए यहाँ पे आया था। तो वो ही उसके स्माइल से मुझे पता तो चल रहा था क्या है क्या नहीं। वो फिर रूम में घूमने लग गया उसमें, और इधर उधर घूम के ऐसे ही घूमने लग गया। फिर एकदम से बोलना शुरू हो गया कि हम कितने लकी हैं जो कि हमें ये कमरा मिला हनीमून के लिए। एंड हिस विजिट एट द लास्ट मिनट, और उसने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, पर एंड टाइम पे, इससे लास्ट टाइम भी एक एग्जीक्यूटिव था एक बहुत ही टॉप कंपनी का, उसने ये रूम बुक किया था, पर एंड टाइम पे उसे कोई काम आ गया तो उसकी बुकिंग कैंसिल होगी, तो हमें ये मिली है, ये सॉरी तो हमें ये रूम मिला है। तो वो ये दिखा रहा था कि किस तरह से हम लकी हैं कि हमें ये कमरा मिला। कमरे की हालत देख के मुझे साफ पता चल रहा था कि ये ऐसा कमरा है ही नहीं जहाँ पे कभी कोई फैमिली आई हो। ये सिर्फ ऐसा कमरा है जहाँ पे अक्सर ऐसे उल्टे सीधे काम होते हों, जहाँ लड़कियों को लाया जाता था और उनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया जाता था या सेक्स किया जाता था। इसीलिए इस कमरे में ना वो रौनक थी, ना कि यहाँ की दीवारों और खिड़कियों में वो पन था जो कि अपनापन लगे। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो कमरा है, ये कमरा कुछ और है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ जाती है कि किस तरह से जो वाइफ है वहाँ आई थी, और उसे शक था कि उसका हस्बैंड भी ऐसे गेम में होगा, क्योंकि जिस तरह से उसे कमरे की हालत दिख रही थी कि ये कमरा सिर्फ इसी के लिए बनाया गया था, दूर दराज बिल्कुल ऐसे दूर वो बिल्डिंग थी और वो धसी हुई थी कि वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था, यानी सिर्फ यहाँ पे सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया जाता है, वहाँ लेके आया था हनीमून के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो बेडशीट थी बहुत ही बेकार हालत में थी, और जो पिलो के कवर थे वो भी डिस्गस्टिंग ग्रीसी थे। ग्रीसी का मतलब उन पे भी ऐसा लग रहा था कोई कुछ चिपचिपा सा चिपक रखा हो, यानी इससे पहले बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे। टेल द मैन टू चेंज द कवर एंड द शीट्स, आई वॉन्टेड टू से बट कुडंट। मैं एक पल कहना चाहती थी कि इस बेडशीट पे मैं बैठ ही नहीं सकती जहाँ पे इतने सारे जिस्म पहले ही आके लेटे हों। तो मेरा एक पल अंदर से मन था कि मैं उसे कहूँ के बदले, पर एकदम से मैं कहने ही वाली थी पर मैं कह नहीं पाई। फिर मेरा जो हस्बैंड है वो एक तरह से स्माइल पास करता है, और वो स्माइल जो है वो सर्वेंट अपने आप समझ जाता है। फिर वो जो मैन है, इट मीन्स अगैन हस्बैंड, वो अंदर जाता है और अपने मुंह को धोने लग जाता है,
और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ एंड माई इमोशंस ओनली थॉट पेनिट्रेटिंग थ्रू द ईयर्स एंड आई विश आई वॉज बैक होम। मुझे हमेशा ऐसा लगता है काश मैं घर कब जाऊँगी वापस अपने घर। इतने में चाय आती है, वो चाय में से एक अजीब स्मेल आती है जैसे कि केरोसिन हो और ब्रेड भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं स्टेल जैसे ख़राब हो, पर मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं तो मैं एंड में डिसाइड करती हूँ कि मैं अब खा ही लेती हूँ, अब खाना ही पड़ेगा, मुझे चाय पीनी पड़ेगी। और उसके बाद मुझे उन पल की याद आती जब मेरी मम्मी, जब मैं घर से निकल रही थी हनीमून के लिए तो मैंने सोचा कुछ स्वीट लेके चलूं, पर मेरी माँ ने मुझे कहा कि नहीं वहाँ ऐसी जगह है वहाँ स्वीट लेके जाना बहुत ही बेकार लगेगा, रिडिकुलस, ऐसे ऐसे लेके जाना नहीं है, तुम सूटकेस में स्वीट लेके जाओगी ये अच्छी बात नहीं है। पर मेरे को एकदम से याद आता है काश अगर मैं वो मिठाई मेरे पास होती, पर मैं वो मिठाई लेके आई थी सूटकेस में, अब मेरा मन हो रहा था उसे निकाल के मैं खाऊं चाय में डुबो के, पर मेरे को अंदर से अजीब सा लग रहा था, मुझे शर्म आ रही थी। फिर मुझे अपने सास की एक बात याद आई, इट मीन्स मैन की माँ, इट मीन्स हस्बैंड की माँ, उसकी बात याद आई। उसने हमेशा शादी के टाइम पे भी यही कहा था मेरा जो बेटा है वो फॉरेन कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे है, तो हमें वाइफ़ भी ऐसी चाहिए जो डेकोरम मेंटेन करके रखे, एक ओहदा बना के रखे, तो इसे और सफिस्टिकेटेड हो जिससे समाज के रूल्स पता हो। तब मेरे अंदर एक बात आई कि नहीं अगर मैं ये निकाल के खाने लग गई तो बहुत ही अजीब लगेगा और मेरे पास इतना ये हक नहीं है, हक तो है पर मैं अब नहीं कर सकती क्योंकि अब मेरे को एक सफिस्टिकेटेड वाइफ बनना है। फिर मुझे उस दिन की याद आती है जब मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है और हमने प्रपोजल को एग्री कर दिया। नो वन हैड आस्क्ड मी इफ आई हैड एग्रीड, और किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम शादी को लेके हाँ करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। आई हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड माई सेल्फ एंड सडनली ए फ्यू, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी पूरी जो डोर है सब कुछ का हक जो है वो मेरे माँ बाप के हैं, और इस तरह से मेरे रिश्ते को तय किया गया था एट फर्स्ट। पेज नंबर 5, मुझे आज भी वो दिन याद है जब फर्स्ट टाइम मेरी शादी फिक्स हुई थी और मेरे पास बहुत सारे दिमाग में उलझने आ रही थी कि क्यों मैं ही क्यों, मैं अपने फादर के पास जाती हूँ और वहाँ मैं पूछती हूँ व्हाट विल दैट व्हाई ही आस्क्ड टू मी एंड दैट फाइनली दैट आई हैड, मैं पूछती हूँ अपने फादर से व्हाई एम आई, मैं ही क्यों। तब मेरे फादर ने मुझे कहा था व्हाई कि तुम बताओ क्यों, व्हाट विल यू डू देन, तो तुम क्या करोगी अब, व्हाट विल आई डू। तब मेरे पास पहली बारी सवाल आया मैं क्या करूँ, 100,000 चीज़ थी मेरे पास करने के लिए, पर मैं फिर भी उनमें से कौन सी चीज़ पहले करूँ। आई हैड नथिंग टू से ईदर व्हेन माय फादर सेड क्वाइटली, अब मेरे फादर ने एक चीज़ मुझे कही, आई हैव टू मोर डॉटर्स टू बी मैरिड, मेरे पास दो और बेटियाँ हैं जिसकी शादी करवानी है, इस लड़के में क्या बुराई है। इस लाइन ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, व्हाई आर यू साइलेंट, जब उन्होंने मुझसे पूछा तुम चुप क्यों हो, आई एम टायर्ड जस्ट अ लिटल, I smiled as I said it, a painful and awkward smile. उसके बाद मैंने एक ज़बरदस्ती स्माइल दी और वो स्माइल उन्हें लगा कि मैंने हाँ कह दिया हो। Now that I had gone my tea and can I go home? अब मेरे पास चाय आ चुकी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था चाय पी के फटाफट जल्दी से घर चले, और इतने में मैं चाय पी रही थी वो मैन मेरे पास आया, उसने मेरे हाथ रखा मेरी हाथ पे और कमर पे हाथ रखी और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी पसीनों की, और उसके बाद उसकी ग्लासेस और उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई भूखी आंख मुझे खरोचने के लिए भाग रही हो। इट्स अ बिट स्टफी हियर इजंट इट, तब मैं पहली बारी कहती हूँ कि बहुत ही अजीब है, क्या अजीब नहीं लग रहा। आई गॉट अप ट्राइंग टू साउंड कैजुअल, और ये सब मैंने कैजुअल वे में कहा, लेट्स गो आउट द वरांडा एंड आई वांट टू सी द सी, और मैं हमेशा, फिर मैंने ये कहा चलो बाहर चलते हैं समुद्र को देखते हैं, एंड अनविलिंगली ही लेट मी गो एंड फॉलो मी आउट, और उसने फिर मुझे ले के समुद्र के पास गया, द सी वॉज फार अवे, समुद्र थोड़ा दूर था, और समुद्र और उस बिल्डिंग को देख के साफ लग रहा था कि हम एक प्राइवेट जगह पे हैं और ये जगह इन्हीं कामों के लिए डिज़ाइन की गई हो। द सैंड ग्लीम, वहाँ जो रेत थी उस वो ऑरेंज कलर की, उसमें एक ग्लीम आ रही थी, चमक आ रही थी जैसे कि सूरज ढल रहा हो, और इस सूरज को ढलते हुए देख के मेरे को अंदर से काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि अब ये समय आ गया था जब सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म, जिसके लिए उसका हस्बैंड उसे लेके आया था यानी मैन। हम उस समय शाम तक हम वहीं पे बैठे थे समुद्र के पास, और मैं अलग अलग शेल को उठा रही थी, कभी मैं पत्थर पे बैठ रही थी, और धीरे धीरे अंधेरा होता गया, मुझे अंदर से डर लग रहा था।
उसने मुझे तैरने के लिए भी बुलाया, पर मैंने एक फ्रेंडली वे में कहा कि नहीं, पर मुझे लग रहा था कि फ्यूचर में मुझे ये सब करना ही होगा। एंड एट प्रेजेंट वी वर नॉट फ्रेंड एंड नॉट अक्वाइंटेंस, ना तो अभी हम दोस्त बने हैं ना हम एक दूसरे को जानते हैं, बस हमारा रिश्ता सिर्फ यही था, हस्बैंड एंड वाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ। तो दिस इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट द क्वेश्चन दैट बीन आस्क्ड इन योर पीपल दैट अबाउट द हस्बैंड एंड वाइफ एंड हस्बैंड एंड वाइफ, कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही सब कुछ नहीं है, हस्बैंड वाइफ बनने से पहले फ्रेंड बनना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, तभी जाके एक शरीर जो है वो दूसरे शरीर को समझ सकता है, तब जाके जो हम कह सकते हैं दी एक्ट ऑफ सेक्स वो परफॉर्म किया जा सकता है। सेक्स ही हर कोई मैटर नहीं है, और लाइफ में पहले एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ हमें जो डीप है और जो नॉर्मल ग्राउंड है सोसाइटी की, वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है फ्रॉम दी फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि फीमेल सोसाइटी में कितना उसे फेस करना होता है। Now the page number 6, he hummed a popular tune, told me that how unaware that he was of everything but of what was to happen between us, making us truly husband and wife. अब वो अजीब से कुछ कुछ गुनगुनाने लगा, जैसे वो ये जताना चाहता हो कि वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, पर मैं हर चीज़ के बारे में जानती थी कि अब हमारे बीच में क्या होने वाला है जिससे हम एक रियल हस्बैंड और वाइफ कहलाएंगे। When we were, आई thought again, not even acquainted with each other. मैं हमेशा यही सोचती थी, अभी तो हमने एक दूसरे को जाना ही नहीं। A month back we had gone never heard of each other. एक महीने तो हुआ है हमें एक दूसरे को जानते हुए, हमने सुना भी नहीं था एक महीने पहले एक दूसरे के बारे में। मैं दोबारा से कहती हूँ, लेट्स गो डाउन टू द सी, समुद्र में चलते हैं, नीचे चलते हैं। नाउ ही सीम्ड सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया कि अभी सुबह चलेंगे। फिर मेरे मुंह से एकदम निकला कि यस बट बिफोर द मॉर्निंग देयर इज़ अ नाइट, कि सुबह होने से पहले रात है, तो अभी तो। देन ही सॉ द लुक ऑन माई फेस एंड स्माइल एट मी एंड इट्स गोइंग टू बी डार्क सून, लुक एट द वे, उसने कहा देखो रात होने वाली है अब चलो। A little path went zigzag and crazingly down the cliff and he put the arms around the waist and you don't really want to go down, do you? It was said in my ear and almost a whisper and sickened me and like those furtive touches and the glances from the faceless and aimless man in crowd. तो जब उसने मेरे दोबारा से वेस्ट पे हाथ डाला और उसके बाद हाथों में हाथ रखा और उसके बाद कहा कि क्या तुम नहीं चलना चाहती अब, ठीक है। माई माइंड शी लाइक फ्राइटेड, मेरे को ऐसा लगा कोई अजनबी मुझे बोल रहा हो, मैं वो सब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कम ऑन इन एंड ही पुल्ड एट माई आर्म्स एंड इट्स गेटिंग चिली, ओके चलो चलो चलते हैं अब ठंड हो रही है। सो इट वॉज इन द डार्क एज वेल एंड हैड दिस स्विच ऑन लाइट्स इन इन रूम, फिर हम कमरे में जाते हैं उस लाइट को ऑन करते हैं क्योंकि अंधेरा होता है, और तब तक किसी ने बेड को पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया था, सब कुछ अंदर सही हो गया था। एंड आई फेल्ट अ कंस्ट्रक्शन इन माई थ्रॉट and a longing for all nights and I had left behind a for a melancholy that always a sail on my is home at this time. मेरे दिमाग में हमेशा वही चीज़ घूम रही थी कि मुझे घर जाना है। और वो जो मैन है यानी इट मीन्स हस्बैंड, वो जाता है और अपनी सूटकेस को खोलता है और उसमें से कपड़े निकालता है और अपने और वो बाथरूम में जाता है। एंड आई सेट क्वाइटली फॉर मिनट दिन फ्लू ऑन वरंदा, फिर मैं कुछ देर बैठी और उसके बाद दोबारा वरंदा में निकल गई। Even to myself that I didn't want to hear intimate sound that was seeping through thin walls. मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मैं एकदम से नहीं चाहती थी कि इन दीवारों की गूंज सुनूं, और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। And I was anyway but with a strange man, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अजनबी इंसान के साथ एक अजनबी कमरे में बैठी हुई हूँ और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। एक पल मुझे ऐसा लगा काश मेरे पास कोई ऐसा मौका होता कि मैं अपने आप को फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर सकती और फ्यूचर में मैं इस मैन की वाइफ बन तो गई हूँ मैं, और मैं एक वुमेन बन जाती, यानी मैं ये लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं करती, ये मैरिड लाइफ अबाउट द सेक्सुअल एक्सपीरियंस मैं नहीं लेना चाहती एक अजनबी इंसान के साथ, कि वो मेरे शरीर पे एक तरह से लिपट जाए और मेरे साथ कुछ करे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एकदम से वो मेरे नाम को इस तरह से लेता है जैसे कि मेरे घर वाले या कोई बहुत सालों से मुझे जानता है। मुझे बहुत गुस्सा आया, एक पल अजीब लगा। एंड रिलक्टेंटली आई वेंट इन, व्हाई डोंट यू चेंज, एकदम से आके वो मुझे कहता है कि तुम क्यों नहीं बदल लेती कपड़े। एंड एक्साइटेड अबाउट टू पुट मी ऑफ, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मेरे कपड़े चेंज करवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। और फाइनली मैंने अपनी नाइट ड्रेस डाली और मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से शर्मा रही थी और अजीब लग रहा था मुझे। उसकी आंखें मुझे ऐसे देख रही थी और मुझे अजीब सा लग रहा था फिर से कि कोई अजनबी बैठा हुआ है।
फिर मैंने आई ओपन द डोर, मैंने वरांदा का दोबारा दरवाज़ा खोला। वे आर यू गोइंग, उसने पूछा। नो वे, जस्ट आउट हियर, मैंने कहा नहीं यहीं जा रही हूँ। कम हियर, लेट्स स्टैंड आउट फॉर मी फ्यू मिनट्स एंड आई वाज प्लीडिंग नाउ नो कम हियर, और मैं कहती हूँ नहीं यहीं जा रही हूँ, कहता नहीं यहाँ आओ। अनविलिंगली आई टर्न एंड वेंट टू हिम एंड माई लेग्स एंड हैवी स्लेट एंड सडनली हिज आर्म्स वर राउंड मी, हिज फेस क्लोज टू माइन, हिज रफ चिन स्क्रैपिंग एंड हर्टिंग माई चीक। एकदम से वो मेरे पास आता है, उसके हाथ से जोर से पकड़ता है, अपने गाल रगड़ता है मेरे गाल पे। हिज इम्ब्रेस वॉज टू सडन टू रफ एंड आई वॉन्टेड टू स्क्रीम, एक पल मुझे ऐसा लगा कि मैं चीखूँ, टू क्राई आउट, कि मैं जोर से चिल्लाऊँ, बट सम हाउ आई न्यू दैट दिस वॉज जस्ट बिटवीन द टू ऑफ अस, पर मुझे पता था ये तो होना ही है। आई टर्न माई फेस अवे फ्रॉम हिम, मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि अपने चेहरे को उससे दूर रखूँ, और बट और वो हमेशा कोशिश कर रहा था किस इंटेंडेड, किस के लिए। दे वॉज फुलिश एंग्री ऑन हिज फेस एंड हिज ग्लासेस इज फेलिंग डाउन, मैंने एकदम से हाथ मारा और उसके चश्मा नीचे जाके गिरा। एंड म्यूटली आई पिक देम अप, फिर बिल्कुल घबरा के, बिल्कुल सहम के मैंने उस चश्मे को उठाया और उसे दिया। ही वॉज साइलेंट व्हेन ही व्हिप्ड देम एंड पुट देम ऑन, और उसके बाद उसने साफ करा, सॉरी व्हिप नहीं वाइप्ड है, उसने साफ करा, उसे अपने चेहरे पे डाला। व्हेन ही फाइनली स्पोक, उसके बाद उसने बोला मुझसे विद अ नोट ऑफ द हिस्ट्री दैट व्हाट्स दिस, ये क्या है, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो, लाइक व्हाट, आई ट्राइड टू कीप माय ओन टोन लेवल इनोसेंट, और मैंने अपनी आवाज नीचे कर ली। पेज नंबर 8, अवॉइडिंग मी डोंट थिंक दैट आई हैव नॉट असिस्ट एंड यू एवर सेंस वी केम हियर दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग मी, ही एंड लेमली। उसके बाद उसने इस तरह से एंड किया कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे पता है तुम जब से मैं आया हूँ तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। नो आई हैवेंट, आई एम नॉट, इन द रिफ्लेक्स डिनायल ऑफ ए चाइल्ड, मैंने बच्चों की तरह कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया। डू यू थिंक आई एंजॉय फीलिंग दैट आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ ऑन यू, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ है, व्हाई आर यू एक्टिंग सो स्ट्रेंजर, इस तरह से अजीब तरह क्यों कर रही हो मेरे साथ। I felt contrite at the sight of the bewildered face, but I had nothing to say. पर मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही थी। You are not an innocent little girl, are you? You know? वो मुझे कहता है कि तुम इतनी innocent लगती नहीं हो क्या तुम सच में? Yes, I did. No, I was not innocent. मैंने कहा हाँ मैं innocent नहीं हूँ। In fact, just before the wedding, I read a book. क्योंकि शादी से पहले मैंने कुछ किताब पढ़ी थी, और वो किताब जो पढ़ रही थी मैं, उसमें यही था कि शादी में किस तरह से अपने जो जनरेशन है उसे आगे लेके जाते हैं। इट मीन्स उसके उसमें सेक्स के बारे में मेंशन था, और मैंने वो पढ़ा, इसीलिए मैंने उसे ये कहा कि नहीं मैं इतनी इनोसेंट नहीं हूँ। पर मुझे पढ़ते हुए मेरी माँ ने देख लिया और शादी से पहले, और वो ब्लश करके चली गई, जैसे कि मान लो मैं इंटरेस्टेड हूँ। आई स्टूड साइलेंट एंग्री एंड हर्ट क्रिस फैलन, ही वेटेड फॉर माई आंसर, वी स्कार्सली नो ईच अदर, आई स्टैमर्ड एट लास्ट एंड, मैंने फिर वही कहा उसे कि हम एक दूसरे को अभी जानते नहीं हैं। ही सीम फ्लैबगास्टेड, नो ईच अदर, वट वॉज दैट टू डू विद इट, आरंट वी मैरिड नाउ, पर उसने कहा क्या हमारी शादी नहीं हुई है, नहीं जानते और कैसे जानेंगे, एंड हाउ विल वी स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर, कैसे जानना शुरू करेंगे जब तक हम एक दूसरे को टच ना करें, करीब ना आए। आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट यू एंड वॉन्ट टू से, मैंने सिर्फ ये कहा मैं तुम्हारे बारे में हर कुछ जानना चाहती हूँ, सब कुछ जानना चाहती हूँ। एंड वट डिड यू थिंक ऑफ एस वेन थ्रू ऑल दिस सेरेमनीज टुगेदर, बस मैं ये चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ हर जगह घूमूं। एंड यू लाइक दिस थिंग एंड आई डो, मैं तुम्हारे साथ जोक क्रैक करूं, हम एक दूसरे को जाने, फिर उसके बाद हम ये सब काम करें। आई वॉन्टेड टू टेल हिम हाउ शाई एंड फ्राइटेन आई वॉज एक्सपोजिंग द मिस्ट्रीज ऑफ माई बॉडी टू हिम, मुझे बहुत अजीब लग रहा था अपने शरीर के उन अंगों को दिखाना जिसके बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ किसी अजनबी को। एंड हाउ होम सिक आई वॉज फ्रॉम माई मदर्स फेस, और मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी और अपने फादर के लॉफ की, जब वो मुझसे हमेशा स्माइल करके बात करते थे और हंसते थे, और मेरी बहन की वो बातें, वो सब मुझे मेरे दिमाग में थी। बस मैंने ये कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। लुक एट हिज फेस, ही वुड नॉट हियर मी, उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी नहीं सुनना चाहता हो। उसने सब कुछ वही करना शुरू कर दिया जो वो करने आया था। वाइल आई वॉज विश टू टॉक नाउ, मेरा तो ऐसा मन कर रहा था बस इससे बात करती रहूं और सुबह हो जाए, पहले हम एक अच्छे दोस्त बने। आई स्टैमर्ड एज आई ट्राई टू एक्सप्लेन, आई फ्लश्ड
आई ऑलमोस्ट बर्स्ट इनटू टीयर लुकिंग एट हिज एंग्री फेस। और मुझे उसके गुस्से भरे चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था मैं बहुत सारा रोऊं, खूब सारा मतलब बहुत रोऊं मैं। द ईगर लुक इन हिज आईज एंड आईज डाइड एज आई स्पोक एंड फाइनली ही टर्न अवे फ्रॉम मी एंड वॉलंटियर फ्लंग हिमसेल्फ ऑन बेड। फिर वो एक तरह से मेरे को उसने दूर कर दिया और खुद जाके दूर बैठ गया। आई फेल्ट आई हैड कमिटेड क्राइम, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मान लो मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया हो या मुझे ये नहीं करना था। क्वाइटली आई वेंट टू माई बेड, मैं चुपचाप अपने बेड पर चली गई और वहाँ जाके लेट गई। आई हैड रेड एंड टॉर्च और माई डिस्ट्रैक्टेड माइंड आई लीव वॉन्डरिंग इफ आई वॉज अ थिंग दैट आई रेड अबाउट अ फ्रिजिड वूमैन इनकैपेबल ऑफ लव। मुझे दिन याद आ रहे थे कि किस तरह से मैंने किताब में भी पढ़ा था कि किस तरह से फीमेल एक वीक होती है और अपने आप को वो कितना कमज़ोर मानती है। एंड वट विड वी डू इफ वी वॉर सो आई इमेजिन माई सेल्फ रिटर्निंग टू माई पेरेंट। मेरे को बार बार ये आ रहा था दिमाग में कि मैं मुझे वापस घर जाना है। एंड ग्रीफ इट वुड कॉज से माई सिस्टर मैरिज हेल्ड अप फॉर एवर माई फ्रेंड डिस्ग्रेस एंड ऑल बिकॉज ऑफ मी। पर बार बार ही कल्पनाएँ भी दिमाग में ये आ रही थी अगर मैं घर जाऊँगी तो किस मुँह से, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बहनें भी हैं जिनकी शादी अभी होने वाली थी। सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड आई टोल्ड माई सेल्फ चोकिंग माई सेल्फ विद ब्लैंकेट टू प्रिवेंट माई गुर्गल ऑफ लाफ्टर फ्रॉम बीइंग हर्ड। एंड बट हाउ कैन आई विद मैन आई स्कार्सली नो। पहले मैं हंसा करती थी और हंसते हुए मैं ब्लैंकेट रख लेती थी, पर अब मैं कैसे हंसूँ उसके साथ जिसे मैं जानती ही नहीं। एंड आई थॉट एंग्रीली इट्स इनडिसेंट दैट ही शुड हैव गिवन मी सम टाइम। मुझे ऐसा लगा कुछ अगर वो मुझे टाइम दे। व्हाट अ वे टू स्पेंड अ हनीमून, आई थॉट इमेजिन हिम सल्किंग द होल टाइम एंड आई मूविंग अराउंड विद अ लॉट ऑफ गिल्ट एंड शेम एंड फियर। व्हाट विल वी टेल द अदर्स व्हेन वी गो बैक। पर मेरे दिमाग में हमेशा यही आ रहा था अगर मैं इस समय उससे पीछे हो गई तो मेरे दिमाग में बार बार ही वही बात आएगी कि हम वापस जाके क्या कहेंगे कि मैंने क्या किया हनीमून पे। I must have drifted off into sleep at some time because I woke up to the dull blooming sound of the sea coming in. मैंने सोचा मैं किसी तरह से सो जाऊं और सुबह उठूं और एकदम से दोबारा ये रात कट जाए। There was scarcely pause, I noted drowsily and thundering noise. और एक पल मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो जाऊं और सुबह उठूं। और मैंने एक सपना देखा और सपने में ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि कोई बीच के मैं साइड में हूं और बीच की जो और जो समुद्र की जो लहरें हैं वो मेरे ऊपर बरस रही है और मेरे ऊपर उन्होंने मुझे घेर लिया है। एंड देन आई वोक अप टू रियलाइज द साउंड ऑफ द सी वॉज रियल। और मुझे जब मैं उठी तो मुझे लगा हाँ सच में समुद्र की आवाज़ तो वही थी और मैं भी बेड पे थी, पर वो बीच नहीं था जो मैंने सपने में देखा, मैं बेड पे थी। एंड इट वॉज नॉट द सी दैट वॉज पाउंडिंग माई बॉडी बट थी। पर मुझे जान के जब अजीब लगा कि जो समुद्र की जो लहरें जो मेरे ऊपर बह रही थी वो लहरें नहीं थी बल्कि मेरा हस्बैंड था। हु वॉज फोर्सिंग हिज बॉडी एंड माइंड, जो कि ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रहा था। एंड आई वॉज टू फ्राइटेड टू स्पीक एंड माई वॉइस वॉज स्ट्रैंगल इन माई थ्रोट। मैं कुछ बोलना चाह रही थी पर मैं बोल ही नहीं पा रही थी। आई पुट माई हैंड्स ऑन हिज चेस्ट टू पुश हिम अवे बट इट वॉज लाइकली ट्राइंग टू मूव अ रॉक। मैंने कोशिश की कि किस तरह से उससे दूर रहूं, पर उसे चेस्ट पे हाथ लगाया पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पत्थर को धक्के मार रही हूं। आई कुड डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर पाई। ही पुट हिज हैंड्स हिज लिप्स ऑन माइन एंड दिस टाइम आई कुड नॉट मूव अवे। हाथ रखे होठ रखे मेरे ऊपर और मैं कुछ नहीं कर पाई। देर वॉज नो टॉक नो वर्ड बिटवीन अस, ना एक बात हुई ना हमारे बीच में कुछ अक्षरों का बदलाव हुआ, बस एक फिजिकल एंड सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। हिज मूवमेंट हैड सम रिदम द सेम वायलेंस एज द मूवमेंट ऑफ द सी। उसके मूवमेंट में वही अंदाज था जैसे कि एक समुद्र में जैसे ज्वार भाटा उठ रही हो। एंड आई कुड हैव बॉर्न द बैटरिंग ऑफ द सी बैटर फॉर दैट वुड हर्ट मी नॉट ह्यूमिलेट दिस एट लास्ट मर्सीफुल इट वॉज ओवर माई बॉडी हैविंग हेल्प हिम बाय सम स्ट्रेंज इंस्टिंक्ट बियॉन्ड एंड आउटसाइड मी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसने मुझे अंदर से भी घेर लिया और बाहर से भी। एंड द क्राई आई गेव was not for the physical pain but for the intrusion into my privacy, the violation of my right to myself. और मैं रोई इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को physical pain हुआ, इसलिए क्योंकि first time किसी एक stranger ने एक अजनबी ने जिसका नाम husband हो उसने intrude किया मेरी privacy में और उसने मेरे जो अधिकार थे उसका उल्लंघन किया। इसी वजह से इस पूरे देखो शॉर्ट स्टोरी का नाम इंट्रूजन रखा गया है। यहाँ पे आपको सेंट्रल आइडिया मिल सकता है दैट द इंट्रूजन इनटू माय प्राइवेसी इन द वायलेशन ऑफ माय राइट टू माय सेल्फ, ये इम्पॉर्टेंट है।
I drew the sheets over myself and lay quietly, afraid to move, thinking of nothing, my mind an absolute blank. मैंने वो बेड की शीट उठाई और अपने आप को कवर किया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था और बिल्कुल मैं ब्लैंक थी. When sensation and feeling came back with a surge, my first thought was that I couldn't hear even the sea now. और जब मेरे अंदर की सेंसेशन जागने लगी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब मैं समुद्र को भी नहीं सुनना चाहती. I wondered why till I realized that there was another sound drowning it. I looked at him and he was lying on his back, leg flung apart and snorting loudly and seedily. इतने में मेरे पास एक और अजीब सी आवाज़ आ रही थी. एक तरफ समुद्र की आवाज़ थी तो एक और मैं देखती हुई एक को कि मतलब वो लेटा हुआ था अपने बैक से और एक बहुत ही अजीब आवाज़ निकाल रहा था खर्राटे की और मैं बस इन्हीं सोच में पड़ी रही, वहाँ पे बैठी रही. ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है इसलिए हम फटाफट करते हैं इसे. नाउ द डीप एनालिसिस, एक बार डीप एनालिसिस देखते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. द इंट्रूजन अ टाइटल स्टोरी डील्स विद ए न्यूली मैरिड वुमेन. इसमें न्यूली मैरिड वुमेन के ऊपर है एंड हुज सेल्फ रिस्पेक्ट इज डिसऑनर्ड. जिसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, यानी इंट्रूड करता है हस्बैंड होम शी थिंक्स एज एन इंट्रूडर. द स्टोरी इज रिप्लीट विद अ नंबर ऑफ इंस्टांसिस वेयर अ न्यूली मैरिड वुमेन ऑन द डे ऑफ हनीमून इज मेड अवेयर ऑफ अ सेक्सुअल रोल विद विच शी इज फोर्स्ड टू आइडेंटिफाई हरसेल्फ. कि किस तरह से हनीमून जैसा नाम है, सुंदर नाम पर उसके अंदर इतनी हरकतें होती है. एक सेक्सुअल रोल दिया जाता है फीमेल को और उसे वो परफॉर्म करना पड़ता है, तब उसको अपनी आइडेंटिटी रखनी पड़ती है कि वो तब वाइफ कहलाएगी अगर उसका सेक्सुअल रोल जो है हस्बैंड के साथ वो एग्जैक्ट वैसा ही हो जैसा हस्बैंड उसे चाहता है करने के लिए. तो ग्रेजुअली शी गेट्स सिकन विद द फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ सेक्स विद अ मैन हुम शी हार्डली नोज. जिसको कम जानते हैं, जिसको हम जानते नहीं है, वो पहले दिन अगर वो सेक्स करे हनीमून वाले दिन तो कैसा लगेगा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाती है ये जो शॉर्ट स्टोरी है. हर हस्बैंड एम्फसाइजिंग कंप्लीट प्राइवेसी डेडेंस हर ऑलमोस्ट विद फियर एंड ट्रेमर. कॉन्सिक्वेंटली शी अवॉइड्स हर फेस फ्रॉम द बेड्स. अब ये दिखाया गया कि किस तरह से उसका हस्बैंड उसे एम्फसाइज करता है, जोर डालता है, पर वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर एंड में वही बात है, हारना पड़ता है. बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज आवर कल्चर इज ऑल्सो गिविंग रूट्स टू द पेट्रियार्की सिस्टम एंड द पेट्रियार्कल वर्ल्ड. ठीक है, तो वुमेन इन द स्टोरी शोन एज साइलेंट एक्विसेंट एज शी एक्सेप्ट्स द मैरिज प्रपोजल क्वाइट म्यूटली. दिखाया गया कि किस तरह से शादी के लिए उसने हाँ कर दिया था, और हमेशा ऐसे ही आजकल नॉर्मल होता है कि फीमेल को वो दिया ही नहीं जाता मौका कि वो भी डिसाइड करे. नाउ द फ्रेंडशिप विच इज़ द बेसिस ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. कि हमेशा फ्रेंडशिप एक मेन वो माना जाता है कि पहले शादी होने से पहले पहले ये ज़रूरी है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जाने. एक फ्रेंडशिप का मौके से, एक फ्रेंडशिप एक ऐसी डोर होती है जिसके थ्रू लड़की के पास कुछ पल होता है जिससे कि वो लड़के को समझ सकती है, पर वो भी नहीं है अरेंज मैरिज में. अगर हम बात करें कि एकदम से लड़के को हमारी कल्चर, हमारी अथॉरिटी, एक मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि राइट्स परमिट करती है एक मेल को कि वो फीमेल का कभी भी फ़ायदा उठा सकता है, उसके साथ कभी भी सेक्स कर सकता है. तो हम देखें तो मैरिज एक वो नहीं है, एक मैरिज एक इंस्टीट्यूशन, एक तरह से लॉ है जो कि ये प्रोवाइड करती है मेल को कि उसके पास पावर है कि वो फीमेल के साथ सेक्स करे. ये कुछ लाइंस है स्टोरी से जो आप मेंशन कर सकते हो. तो पेज नंबर 38 एंड पेज नंबर 39 ये उस बुक से हैं जो मैंने ओरिजिनल बुक से आपको लाइन टू लाइन करवा भी दिया है, तो ये लाइन आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो. उसके बाद है द वुमेन प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी अपीयर्स टू बी अ विक्टिम ऑफ बॉडी माइंड कॉन्फ्लिक्ट. तो बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, बॉडी माइंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जिक्र है कि किस तरह से शरीर और हमारे दिमाग के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्शन होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ नहीं है. नेवर्थलेस शी डेस्परेटली ट्राइज टू अंडरलाइन एस विद्युत भागवत एक्सप्रेसेस इन हर एनालिसिस ऑफ साइमन द बे विद द बॉडी एंड द सेक्सुअलिटी आर कंक्रीट एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. तो ये कहीं ना कहीं साइमन द बेवरी जिसने एक ये मेंशन किया है कि बॉडी और सेक्सुअलिटी जो है ये कंक्रीट एक्सप्रेशन ऑफ एग्जिस्टेंस है. अगर हमें लाइफ में अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना है कि तो हमें अपने शरीर को प्रेजेंट करना आना चाहिए और सेक्सुअलिटी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेक्स एक्ट नहीं परफॉर्म होगा तब तक आने वाली जनरेशन जन्म नहीं ले सकती. तो इसके ऊपर एक तरह से साइमन द बेवरी जिसे विद्युत भागवत ने अपने एक फेमिनिस्ट कंसेप्ट वाले बुक में ये मेंशन किया है.
साइमन दे वेवर की जहाँ तक बात आती है तो एक फ़ीमेल है और ये बहुत ही बेस्ट फिलोसोफर मानी जाती हैं, पर ये खुद नहीं मानती कि ये फिलोसोफर है। इनकी फेमस बुक का नाम है सेकंड सेक्स और ये 20th सेंचुरी की एक मोस्ट एक हम कह सकते हैं दी फेमस फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियल राइटर थी, जिसने कि नॉर्मल ग्राउंड पे फीमेल को बहुत ही खूबसूरती से तराशा है अबाउट द कंडीशन ऑफ द फीमेल। और जो इनकी सेकंड सेक्स बुक थी ये फेमस हुई और इन्हें जाना भी जाता है, काफ़ी लॉन्ग रिलेशन था इनका सात्रे के साथ। तो ये सब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है, वैसे इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक फेमिनिस्ट राइटर है और एक आर्डेंट फेमिनिस्ट राइटर, जिसने कि सेकंड सेक्स जैसे कॉन्सेप्ट को आगे रखा कि फीमेल को एक तरह से सेकंड ओहदा दिया जाता है, सेकंड सेक्स प्रेफर किया जाता है, नॉट अबाउट जस्ट लाइक अ मेल जैसे फर्स्ट सेक्स दिया जाता है। इट मीन्स द बेसिक एंड द फोरमोस्ट पोजिशन इन सोसाइटी। तो इसमें क्या है, अभी वुमन इन द स्टोरी रीड्स आउट इट हर हस्बैंड आइटनरेट अंडरस्टैंडिंग, दिखाया गया किस तरह से इस पूरी कहानी में जो फीमेल है यानी वाइफ जो है वो हस्बैंड की आंखों को देखती है और पढ़ती है सब कुछ। एक नेमलेस स्ट्रेंजर रखा गया है विद सो फेमिलियरिटी, ये बहुत अच्छा तरीका है कहने का कि किस तरह से हम अपनी बात को कह रहे हैं, एंड बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट नॉट बाई सेइंग द हस्बैंड बाय अ नेमलेस स्ट्रेंजर, यू कैन से बाय सेइंग द मैन, द मैन, द मैन, मैन बार बार ही डाल रखा है ना कि हस्बैंड। तो ही रिलीव द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इवेपोरेट ओनली थ्रू हर इन टू अ डे लाइट ह्यूमिलेटिंग फैक्ट ऑफ द मर्सलेस बॉडली असॉल्ट ऑन हर। तो एक तरह से पूरी राइटिंग ये बॉडली असॉल्ट है, किस तरह से शरीर पर पहला हमला करते हैं बिना उससे पूछे हुए कि तुम्हें मंजूर है कि नहीं, और सीधा एक्ट करना शुरू कर दिया सेक्स के थ्रू। किस बिहाफ पे, बस इस बिहाफ पे कि मैरिज से उन्हें एक पावर मिली है, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उन्हें राइट्स परमिट करता है ताकि वो इस तरह के डोमेस्टिक रेप को अंजाम दे। रेप और ये दोनों ही रेप हैं एक तरह से, बस रेप अगर हमें डिफाइन करना है तो वो चीज़ है जो कि मैरिज के अंडर नहीं आता, दैट्स अ पार्ट ऑफ रेप, और ये भी वो ये दैट्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक रेप, जो कि बहुत ही बड़ा कंसेप्ट उठा के लेके आई है हमारे पास शशि देश पांडे की इतनी ब्यूटीफुल वर्क से। Now, in order to support the woman empowerment, it is necessary to consider the feminist thinker like Tiffany K. Wynne. A discussion of the market fool, or again the famous, you can say the feminist writer, views on the need of the acknowledgement of woman's need and ability to pursue her individual interests expresses in her writing, Women in the 19th Century. तो ये वुमेन इन द 19th सेंचुरी और वुमेन इन द 20th सेंचुरी, जैसे हम कहते हैं द फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये उसकी एक हाई के एक पोजिशन है जिस टाइम फीमेल के कंसेप्ट को आगे रखा गया, एंड ऑल्सो द डोमेस्टिक अफेयर एंड द डीप रियलिटी ऑफ सच अ मैरिज, यू कैन से विच इज हियर डिफाइंड एज अ वे ऑफ, यू कैन से इज अ वे ऑफ डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट। तो देखते हैं हम क्या है इस लाइन में क्या है। व्हाट वुमेन नीड्स इज नॉट एज अ वुमेन टू एक्ट और रूल बट एज अ नेचर टू ग्रो, एज एन इंटेलेक्ट टू डिस्कॉर्न, एज अ सोल टू लिव फ्रीली एंड अनइम्पेडेड। औरतों को और फीमेल को क्या चाहिए, ये नहीं कि वो हमेशा फीमेल की तरह एक्ट करे और रहे, उन्हें कुछ हिम्मत चाहिए, उन्हें कुछ ऐसा भी जज्बा चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़े और अपनी सोच को आगे रखें और अपनी आत्मा को एंजॉय करें और लिबर्टी एंजॉय करें। बेसिकली ये मेंशन है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट बीन सेड बाय द फीमेल, यू कैन से बाय द फेमिनिस्ट थिंकर एंड द फेमिनिस्ट राइटर ऑफ द 19th सेंचुरी। नाउ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, तो जल्दी जल्दी देखते हैं ना। कंक्लूजन इन शॉर्ट, वुमेन प्रोजेक्टेड बाय शशि देश पांडे इन अब स्टोरीज गेट एडेप्टेड व्हेन विद गिवन सर्कल लाइफ, दिखा रखा है किस तरह से फीमेल की लाइफ जो एक तरह से घेर रखी है। दे डोंट बिलीव इन द एक्सटर्मिनेशन ऑफ द मेल काउंटर पार्ट फॉर द कम्फर्टेबल मूविंग, और मेल को कहीं पे भी एक्सटर्मिनेट नहीं किया जाता, उसे नज़र मतलब हम एक तरह से अलग नहीं करते, मेल को हम हमेशा सुपीरियर कंसिडर करते हैं। द प्रॉब्लम विद द वुमन इज टू रिजेक्ट द मास्क एंड गिव अ फुल वेंट टू देयर अनकॉन्शियस फीलिंग एंड असाइन देमसेल्फ अ कॉन्शियस इनविजिबल स्टेटस, वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ये अगर आप पेपर में लिखे होगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। प्रॉब्लम ये है
वुमेन के साथ कि उसे आज अपने मास्क को हटाना पड़ेगा जो कि उसे फेमिनाइन और एक तरह से इम्पोटेंसी जैसी वैल्यू देती है कि एक कमज़ोर हम कह सकते हैं एक चेहरा वो प्रदान करती है, उसे हटा के अपने आप को सामने ला के रखना पड़ेगा। हाउ एवर द स्टेबिलिटी फॉर द लाइफ इज ऑफर द कॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी। नाउ टी एन गीता समराइजेस, ये टी एन गीता थिंकर ये समराइज करती है द पोजिशन ऑफ वुमेन कैरेक्टर इन द देशपांडे स्टोरी। हर स्टोरी इज सजेस्ट दैट कॉम्प्रोमाइज इज वट कैरेक्टराइज द लाइफ ऑफ द कॉमन रनर ऑफ द मिडिल क्लास वुमेन इन इंडिया। कि जो मिडिल क्लास वुमेन है इंडिया की, बस उन्होंने एक चीज़ सिखाया, इज अबाउट द कॉम्प्रोमाइज। हर चीज़ के साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना ये सिखाया जाता है, और सिखाने वाले उनके खुद के पेरेंट्स होते हैं और उसमें खुद की माँ होती है जो कि खुद एक फीमेल है। तो यानी फीमेल ही एक तरह से हम कह सकते हैं तो फीमेल को सब्जुगेट कर रही है और हमारा कल्चर। नेक्स्ट पेज जो है साइमन द बेवियर फेमस राइटिंग द सेकंड सेक्स, इसके बारे में आप बता चुका हूँ मैं, ये एक राइटर है, फीमेल राइटर और फेमिनिस्ट राइटर है, मैंने बता दिया सेकंड सेक्स, इसके बारे में आप देख लेना पॉज करके वीडियो। द नेक्स्ट पेज इज ऑल्सो द डील्स अबाउट इट वट द साइमन द बेवियर इज थिंकिंग अबाउट द फेमिनिस्ट एंड द फीमेल वॉइस, ये भी आप नोट कर सकते हो, पॉज करके एक बार देख लेना अगर आपके लायक है इसमें। वैसे कि सब कुछ आपके लायक ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है, अगर डीप एनालिसिस के थ्रू आपको लिखना है तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, तो आप पॉज करके इसे नोट कर लेना। नाउ द नेक्स्ट पेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 100% आएगा फ्रॉम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप देखना तो बिल्कुल आपके नंबर यहाँ पे फुल कैश हो सकते हैं। तो इंट्रूजन फ्रॉम द फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड द रोल ऑफ फीमेल और द फीमेल वॉइस इंट्रूजन। The short story writing of the Deshpande are written by keeping a frame of socio-literary themes and the institutions such as home, family, society, Indian middle class. तो ये main concept रखा गया है, Indian middle class रखा गया है, institution जैसे marriage institution रखा गया है, ये concept, ये सब कुछ इसमें mention है। And Deshpande make gender central to her writing. इनकी हमेशा writing में जो main concept होती है वो है gender के बारे में। Her works deal not only with the ordinary and urban situation से नहीं है, इसमें main क्या mention is about the sex and the gender, ये problem दिखाया गया है। The revolution is not iconoclastic every time but it is surely visible, the tone of her stories appear to be reconciliatory and she did not write with a specific reader in mind nor are her works slanted to an international marketplace. ऐसा नहीं है कि वो international marketplace के लिए लिख रही है, नहीं, वो सिर्फ ये लिख रही थी अबाउट द सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड अबाउट द फीमेल कंडीशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक इंडिया। नाउ वुमेन एज सब्जुकेटेड, के फीमेल को कैसे दबाया हुआ दिखाया जाता है, उनकी जो स्टोरी थी वो एक मिरर ऑफ द रियलिटी कह सकते हैं हम, जिसमें कि फीमेल की पोजीशन को दिखाया गया है फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव एंड इन इंडियन सोसाइटी। द कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय वुमेन एज ए वाइफ, के किस तरह से वुमेन एक वाइफ बन के एक डॉटर बन के कितना कन्फ्लिक्शन उन्हें सहना पड़ता है। शी सेज इट बिकम नेसेसरी फॉर ए वुमेन टू लिव विद इन रिलेशनशिप, और हमेशा वुमेन को ही रिश्ता बना के रखना है पूरे परिवार का जो भी है, यानी एक तो रिलेशन बनाना, उस रिलेशन को कैरी ऑन करना, ये फीमेल का काम होता है जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। बट इफ द रूल्स आर रिजिडली लेड फॉर हर दैट as a wife or a mother that she should do this and no further than unhappiness and uneasiness dawn for a woman. तो कई बार ऐसा फेज़ आता है लाइफ में जब अनहैप्पीनेस होता है, अनईजीनेस, हर काम ऐसा नहीं लगता इतना आसानी से जाएगा, उसी में से एक काम ये है जो कि हनीमून और जो मैरिज कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को एक बिल्कुल ही वे में एक तरह से क्रिस्टल क्लियर अपीयरेंस में सामने रखना बहुत ही अच्छी तरह से शशि देशपांडे ने निभाया है। दे नो डाउट दैट दे आर द क्लचेस ऑफ द पैट्रियार्क, सब दिखाया गया किस तरह से हम आज हमारी पूरी जो सोसाइटी है वो फीमेल को सप्रेस मानती है, सब्जुगेट मानती है और एक तरह से लोअर पोजिशन सेकेंड सेक्स मानती है, जैसा कि हम कहें साइमन द बेवियर के उससे, तो उसी कंसेप्ट को शशि देशपांडे ने इसमें उठाया, आप देख सकते हैं एक बार इसमें नोट करके, पॉज करके नोट कर सकते हैं। एलन शॉर्टर एंड शशि देशपांडे, अब देखते हैं इनके बारे में। द स्पेशल थिंग टू नोट इन हर राइटिंग इज दैट शी रिमेन्स ऑन द ग्रास रूट लेवल, एक ग्रास रूट लेवल पे कंसेप्ट को लिखना बहुत ही एक तो मुश्किल होता है, ऊपर से बहुत ही क्लासिक होना चाहिए राइटिंग में, जो कि शशि देशपांडे के पास है। एलन शॉर्टर अपीयर्स टू बी करेक्ट व्हेन शी आर्टिकुलेट्स, एलन शॉर्टर बिल्कुल सही है जब वो कहती है दस ईच जनरेशन ऑफ वुमेन राइटर हैज फाउंड इटसेल्फ इन ए सेंस विदाउट अ हिस्ट्री फोर्स टू रीडिस्कवर द पास्ट इन यू फॉर्जिंग अगेन एंड अगेन कॉन्शियसनेस ऑफ देयर सेक्स। एलन शॉर्टर का कहना है कि वुमेन को एज ए राइटर
अपनी जनरेशन को खुद तराशना चाहिए, हिस्ट्री के कंसेप्ट को उठाए और दोबारा से अपने सेक्स के थ्रू, सेक्स मीन्स अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी हिस्ट्री को दोबारा से तराशे और एक अच्छे वे में मेंशन करें कि फीमेल वॉइस को आगे रखे, ना कि जिस तरह से हिस्ट्री में हमेशा मेल कंसेप्ट को दिखाया गया, मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, एक बार फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जानी चाहिए हिस्ट्री। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो एलन शॉल्टर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, ताकि थोड़ा बहुत, वैसे इतना कंपलसरी नहीं है पर फिर भी बहुत कंपलसरी है अगर आप फीमेल राइटिंग पढ़ रहे हो तो। एलन शॉल्टर एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है, फेमिनिस्ट है और कल्चरल एंड सोशल इश्यूज़ पे लिखती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो ये वन ऑफ द फाउंडर है ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अमेरिका में, और इन्होंने एक कंसेप्ट जो है उसे डेवलप किया है और उस कंसेप्ट का नाम है गायनोक्रिटिक। गायनोक्रिटिक का सिंपल मतलब हम ये कह सकते हैं वुमेन एज ए राइटर, कि वुमेन भी अब कंसेप्ट को देखेगी, पूरे हिस्ट्री को देख के वो भी एक नए नज़रिए से लिखेगी। तो ये इन द ओपिनियन ऑफ द शशि देशपांडे वेस्टर्न फेमिनिज्म इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन फेमिनिज्म। तो वेस्टर्न फेमिनिज्म और इंडियन फेमिनिज्म को थोड़ा सा अलग दिखाया शशि देशपांडे ने, कहा है कि दोनों डिफर हैं। तो एक बार ये आप रोके से देख लीजिएगा किस तरह से वेस्टर्न एंड और इंडियन वे जो है वो अलग है। Now the next is Kate Millett or the Simon de Beauvoir. Deshpande believe in the fact that the Indians have a wrong notion of feminism. देशपांडे का मानना था कि भारत के जो लोग हैं उन्हें फेमिनिज्म के बारे में एक गलत धारणा है। क्लियरली आर्ग्यूज दैट वॉकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशन, वो मानते हैं हम अपने ट्रेडिशन से दूर होना इसे फेमिनिज्म कहते हैं, यानी फीमेल को आगे रखने का मतलब है हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। तो जैसे आप देखते हो रूढ़ीवादी सोच के घर में अगर फीमेल को आगे रखते हैं तो कहते हैं कि ये घर सही नहीं है या औरतें राज करती है, इस तरह का कंसेप्ट है। तो एक बार ये आपको ये और बता दूं मैं, साइमन दे बेवरे के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत केट मिलेट के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है, तो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। और सेकेंड वेव फेमिनिज्म में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। इनकी फेमस बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जिसमें दिखा रखा है किस तरह से सेक्स जो है वो पॉलिटिक्स में रूल करती है, कि हम एक पॉलिटिकल वे में सेक्स को एक तरह से दिखाया जाता है। ये एक पूरा एक स्कैम है, एक तरह से पूरे कॉन्स्पिरेसी है कि फीमेल की वॉइस को हमेशा नीचे दबा दिया जाता है और हमेशा मेल की बुक को, मेल की पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखा जाता है। तो इस तरह की राइटिंग जो है ये कैथरीन म्यूरे मिलेट यानी केट मिलेट आगे लेके आई थी हम सबके सामने। तो देशपांडे फेमिनिज्म इज यूजिंग दिस टाइम इन ऑर्डर टू एंड्योर द एंग्विशेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, तो लाइफ के बेटरमेंट के लिए और ये को और लाइफ को एक नए नज़रिया देने के लिए देशपांडे ये शॉर्ट स्टोरी लेके आए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी है जो हमने पढ़ी है ये अभी। एंड केट मिलेट और साइमन दे बेवरे ये फेमिनिस्ट राइटर है, एक स्टॉन्च फेमिनिस्ट राइटर है जिन्होंने ऐसे ऐसे कंसेप्ट को सबके सामने रखा, और ये अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर है, फर्स्ट वेव से कुछ कनेक्टेड है, कुछ सेकंड वेव से, थर्ड वेव से एंड फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, इसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा अगर आपको और जानना हो तो। मैरिज बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इवन इन गर्ल्स लाइफ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, मैरिज बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इवन इन गर्ल्स लाइफ वेयर ग्रूम इज चोजन अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर इरिस्पेक्टिव फॉर सेइंग द रिगार्डिंग द सेम। किस तरह से हस्बैंड डिसाइड करता है, लड़का डिसाइड करता है लड़की को, लड़की को एक तरह से कंसेप्ट के वे में रख देते हैं, एक शोरूम की तरह से, कोई भी आए देखे समझे, कोई भी आए देखे जाए, और वो हमेशा एक तरह सबके आगे प्रेजेंट की जाती है जैसे कि कोई सामान हो। द फीमेल कैरेक्टर आर एलिनेटेड इन देयर ओन प्राइवेट वर्ल्ड विद द हस्बैंड टेक देम फॉर ग्रांटेड, यानी फीमेल कैरेक्टर को हमेशा प्राइवेट वर्ल्ड में रखा जाता है और सारी जो वो है जो पावर है वो हस्बैंड के पास होती है। देशपांडे आई वॉन्ट द इंट्रीव्यूसन, ये दो शॉर्ट स्टोरी है जो कि परफेक्ट लिख रखी है उन्होंने और जो इस कंसेप्ट को आगे रखती है। हमारे कुछ समाज में ऐसे कंसेप्ट है जैसे शादी हो गया, दहेज हो गए, ये ऐसे कंसेप्ट है जो कि बहुत प्योर दिखाए जाते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, पर ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल करती है हमारे पूरे कल्चर को और कहीं ना कहीं हमें सोचने में मजबूर कर देती है दैट यस आर सिस्टम और थर्ड वर्ल्ड कंट्री सिस्टम लाइक इंडिया इज़ टोटली डिफरेंट एंड आर कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्टर्न द सिस्टम ऑफ मैरिज और द कंजुगल लाइफ। फाइनली ये पूरा पार्ट ख़त्म होता है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा एंड थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ अ चैनल फील योर विंग्स एंड रेज इट टू फील इट। तो बहुत ही अच्छा लगा, पढ़ाने में भी अच्छा लगा, पर मैंने कई जगह जो है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया, पर क्या करता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। अगर आपको मेरे बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरे नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन आप पॉज करके देख लेना। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, या मेरे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो ये नोट कर लेना आप। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
मिलते हैं नई वीडियो के साथ और फिर नए अंदाज के साथ।